राहुल गांधी ने शर्ट का कॉलर क्यों मोड़ लिया, राहुल गांधी ने टी शर्ट क्यों पहन ली, राहुल गांधी ये राहुल बीजेपी की रोजी रोटी केवल राहुल गांधी जी चला रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी नहीं होते ना, ये सारे बेरोजगार तो हैं, लेकिन राहुल गांधी की वजह से इन्हें रोजगार मिला हुआ है। अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक पढ़ा लिखा बंदा, भारत जोड़ो यात्रा जब से की है उन्होंने, मेरे जैसे युवाओं के दिल में हम भी बहकावे में आ गए थे कि चलो रोजगार आएगा, मोदी जी आए 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब मैं एक भी स्मार्ट सिटी ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक स्मार्ट सिटी नहीं मिल रही। कहाँ बनी हुई है वो? ना रोजगार मिल रहा है। MSc किया हुआ हूँ मैं, PhD की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। और हमने बोला था 400 का सिलेंडर जब महंगा था, स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजती थी, अब भेजेंगी क्या PM को चूड़ियां जब 900-1200 का मिल रहा है? चुनाव को देखते हुए 200 रुपए कम कर दिए। अभी रुकिए, जैसे जैसे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ऊपर जाएगी, वैसे वैसे गैस के पेट्रोल के दाम, जब 55 रुपए पेट्रोल था तब इन्हें महंगा लगता था, आज जब 100 रुपए पेट्रोल है तब महंगा नहीं लगता। ये राहुल गांधी जी का खौफ है। और सुनिए, कह रहे हैं बच्चा आज खेत में है, रोड पे है, सड़क पे है, ऑटो वाले से मिल रहा है। क्या कभी प्रधानमंत्री मिले हैं? कभी जमीन पे उतरे हैं? नहीं उतरे उन्हें। हाँ, एक वीडियो और देखा मैंने आज, उनको बस PR का वो है, हर एक जगह देख के कैमरा देख के हाथ हिलाने लगते हैं। आज मैंने एक फोटो देखा ऊपर प्लेन में भाई ऊपर कौन है? वहां भी हाथ हिला रहे हैं। अबे भैया ऊपर तो कोई नहीं है, वहां तो कैमरा नहीं है, वहां भी हाथ हिला रहे हैं। तो ये है बस, PR से BJP की सरकार चल रही है। देखिए मैडम, देखिए भाई साहब ने जो बात करी, देखिए ये लोकतंत्र है और मैं इनके विचारों की सराहना करता हूँ, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर जो भी कहा, प्रधानमंत्री देखिए मैडम पूरे देश के हैं और ये संविधान में पूरा लिखा के उनके साथ लिखा भी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी BJP के नहीं है। नहीं, पहले भारत लिखा था वहाँ पे। देखिए नहीं नहीं जनाब, प्रधानमंत्री इंडिया लिखा था, भारत लिख दिया है। देखिए हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो BJP पीछे क्यों पड़ी कि भारत भारत करिए, इंडिया को हटाइए सारी जगह से? देखिए इस समय इंडिया जो है हमारा देखिए ना, मैं भटका नहीं रहा। देखिए एक बात है, भारत जोड़ो की बात थी, देश को तोड़ने वाला तो जवाहरलाल नेहरू है जिसने पाकिस्तान बनवाया। पाकिस्तान बनता ही नहीं अगर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देते, तो वो राहुल गांधी कैसे भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं? भारत जोड़ो का मतलब ये नहीं है भारत टूटा हुआ है, भारत जोड़ो का मतलब भारत जोड़ने का मतलब सुन लो चाचा, बेरोजगारी, महंगाई और जो ये भेदभाव की भावना, आज कहीं खड़े हो जाओ हिंदू मुस्लिम, तू सिख तू, ये है भारत जोड़ो। आज देश में प्रेम का माहौल कायम करने के लिए रोड पे उतरे हैं राहुल गांधी जी, समझे आप बातों को गोलमोल घुमा रहे हो, मुद्दों पे बात करो, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देश में जो आज इतने युवा बेरोजगार है उस पे बात करो। राजस्थान में 25 लाख का फ्री इलाज है और आप 5 लाख का PM मोदी इलाज फ्री देके, और वो भी है भी नहीं, केवल पोस्टर छापे जा रहे हैं। मैडम देखिए, भाई साहब जो ये बात कह रहे हैं ये एक प्रदेश की बात है, हमारा देश, मैं लमदार अब्बास ये कहना चाहता हूँ, हमारा देश इतना बड़ा देश है जिसके प्रदेश संसार के देशों से बड़े बड़े, कई जिले संसार के देशों से बड़े बड़े, पहले भी कह चुके हैं ये, मैं कह चुका हूँ। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भारत जो है पूरी दुनिया में, भारत देश, भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों से तेज हो रहा है। और देखिए देखिए भारत में 2 साल कोरोना था, US रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध चला, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी के जनाब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। ये किसी देश में क्या किया मोदी जी ने वो बता, देश में मोदी ने
एकता शांति सद्भावना प्रेम करके पूरे देश को एकजुट कर दिया, एक कर दिया। मेरे को भी निकलना है, मैं आपको सिर्फ एक जवाब देता हूँ। आप बोल रहे हो कि देश में क्या किया, आप जो ये फोन लेके इतनी इंटरनेट स्पीड के साथ में यहाँ खड़े होके लाइव जो टेलीकास्ट कर रहे हो, ये मोदी जी की देन है। यूपीआई एक रुपए का ट्रांजेक्शन हो चाहे एक लाख का ट्रांजेक्शन हो, खड़े खड़े ट्रांजेक्शन करके होगी थी भाई, वो तो अरे वो तो शुरुआत तो 2012 में होगी थी, 14 में हुई। नहीं मैं इनको नॉलेज नहीं है, मैं जब आया था सबसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 4-5 देशों में घूम के आया हूँ। आज भी वहाँ पे ट्रांजेक्शन करना इतना टफ है कि वहाँ पे कार्ड या कैश कैरी करना पड़ता है। हिंदुस्तान में पानी पूरी खाने वाला आदमी भी, अरे फोन थे ये वाले नहीं थे 2014 से पहले, टच फोन नहीं थे लोगों के पास, थे कम थे, स्पीड और सस्ते थे। नोकिया 6600 क्या 9014 इतनी थी क्या, लाइव टेलीकास्ट इस तरह से हो पाता था क्या? आप इस तरह से जो है जितना यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक यहाँ पे चांदनी चौक पे नहीं नहीं कितना टाइम अभी का, आज का नहीं कह रहा, पहले रिपोर्टिंग करते हुए कितना टाइम हो गया? रिपोर्टिंग मैंने इस साल से शुरुआत की, पिछले 8-9 महीने। उससे अरे भाई ये नहीं थे, इनके बड़े और तो थे। बात रिपोर्टिंग की हो रही है, उससे पहले कौन था रिपोर्टिंग पे बताओ? अरे मुद्दे कोई भी नहीं है भाई, ना तुम्हारे हैं ना हमारे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है हर आदमी अपनी बात रख सकता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े होके ये इतनी बातें। अरे मेरे भाई जब एक आदमी ये कह रहा है कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, तो इसमें एक ही आदमी तो कह रहा है काला धन विदेश से आएगा तभी तो देगा 15 लाख। ये तो नहीं बोला था 15 लाख रुपया हम देंगे, बोला अगर वो रुपया आएगा तभी देंगे। और जो इनका जो खुद का नोट था ना, 2000 का नोट भी नहीं चला पाए। कोई बात नहीं, नोटबंदी कर दिया तो आप देख लिए ना, ये बोल रहे मोदी जी 2000 का नोट नहीं चला पाए तो राहुल गांधी चलाएंगे 2000 का नोट। राहुल गांधी बनाए प्रधानमंत्री, राहुल गांधी बना प्रधानमंत्री, तो खानदान है वही तो देश चला रहा था शुरू से। राहुल गांधी कुछ बोल रहा है, राहुल गांधी को राहुल गांधी कुछ बोलना ही नहीं आता, कुछ है क्या उसको सही से बोलना भी नहीं आता। सुनो मेरे भाई, सब बोलना, मेरे भाई सब सबको बोलना आवे, वो तो ऐसा मोदी की दुकान इस मीडिया की वजह से चल रही है, इस मीडिया की वजह से दुकान चल रही है। अगर ये देश की मीडिया निष्पक्ष हो जावे ना, तो 2 दिन में ही पता लग जाओगी नरेंद्र मोदी जी। राहुल मोदी आएगा, मोदी आएगा दिल्ली में क्यों ना आया, अरे दिल्ली में मोदी आएगा, राहुल गांधी तो खुद मेंटल डिस्टर्ब है, उसको तो बोलना भी नहीं आता, उसको पता ही नहीं है बोलना क्या। मोदी जी आएंगे क्यों? मोदी जी ने काम किया भाई, मोदी ने विकास काम किया। आज पहले इंडिया का नाम विदेशों में कुछ भी नहीं था, जीरो पे था, ठीक है। आज मोदी जी की वजह से विदेशों में भी भारत का जो नाम है वो अच्छे स्तर पे है, ठीक है। भारत को अच्छा पोजीशन मिल रही है विदेशों में भी, वो मोदी जी की वजह से ही है, ठीक है। वो राहुल गांधी वजह से नहीं है, राहुल गांधी कोई पीएम थोड़ी है जो उनकी वजह से नाम होगा, राहुल गांधी सांसद है। ये बोले, ये भी बोले राहुल गांधी। सुनो हमारे सिख भाई ना पहले अमेरिका में जाकर रह रहे थे भाई, एक बार जाकर देख लियो, ठीक है ना। तो भारत का नाम ना शुरू से ही है, आज ना होया कोई, शुरू से ही है भाई भारत का नाम। आप आईफोन यूज करते हो, अगर अगर लोग कहते हैं बेरोजगारी है तो 2012 के अंदर 1200 का, आज 1.5 लाख रुपए का फोन कैरी कर रहे हो आप, तो बेरोजगारी कहाँ है? मैं तो स्कूल में पढ़ती थी तब, मैडम तो स्कूल, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे घर से। लेकिन मैडम जब भी जब आप अपनी जो है सोशल लाइफ में आई, आपने पैसा कमाना शुरू किया। मैं पढ़ रही हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ, आप भी ज्यादा पढ़ी लिखी, हम भी पीएचडी किए हुए हैं डबल एमए, होल्टर कल सुन रहे क्या? मैं तो ये पूछ रही हूँ मोदी जी क्यों आए हैं, वजह ही नहीं बता रही, कानपुर महात्मा गांधी वजह नहीं बता रही, हम सब बता दे रहे, ऐसा नहीं, हम ऐसा राजनीति से हमने डबल एमए किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, तो वजह बता दीजिए, वजह बता दीजिए, कौन सी वजह चाहिए आपको, क्यों आनी चाहिए मोदी जी? आनी चाहिए, मोदी विकास कर रहे हैं, नई जनता जागरूक हो रही है, मोदी हर चीज का ऑनलाइन क्यों किया,
ठीक है, गरीबी खत्म कर रही है। और किसी ने नोटबंदी करी क्या? गरीबी खत्म हो गई। नोटबंदी किसी ने करी क्या? गरीबी तो कहीं नहीं खत्म होने वाली पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। जनता बहुत है, 2012 में जनता कम कैसे? जनता बढ़ेगी, ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, जो चल रहा है वो ऐसा ही चलेगा। मोदी का दोष कोई नहीं देगा, मोदी गलत नहीं है। ओके, गुड नाइट। चलिए, तमाम लोगों ने अपनी राय दी, आपका क्या कहना है? जो आप इस चुनाव को लेकर इस पर राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज टाइम्स।